नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 853वां एपिसोड। आज 11 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दरअसल तीन बड़ी टेंशन्स है शेड्यूल बनाने में बीसीसीआई को आ रही है, क्या है वो दिक्कत है वो भी बताएंगे। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाओ और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खुशखबरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आईपीएल हो गया है फ्री, टेंशन लेने की नहीं है जरूरत, क्योंकि अंबानी साहब ने कर दी है पूरी व्यवस्था। जियो सिनेमा पर इस साल का आईपीएल फ्री आएगा। कल रिपोर्ट आई कि इस बार जो आईपीएल की स्ट्रीमिंग है वो विदाउट एनी प्लान की जा सकेगी। जिसके पास भी जियो सिनेमा है जाओ फ्री में आईपीएल देखो, क्योंकि कोई भी चार्जेस आईपीएल के लिए स्पेशल चार्जेस, एक नया पैसा भी आपको जियो वालों को देने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रारंभिक रिपोर्ट अभी अभी निकल कर आ रही है कि इस बार जियो पर आईपीएल फ्री रहने वाला है। क्यों फ्री रहने वाला है उसका कारण भी पता लग गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो आखिर क्यों इस बार जियो ने रख दिया आईपीएल को फ्री में? दरअसल इसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई और कल ये रिपोर्ट भी सामने आ गई। दरअसल हुआ ये था कि पिछले साल तक डिज्नी पर आईपीएल आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने डिज्नी को जाकर सब्सक्राइब किया हुआ था, प्लान्स लिए हुए थे। अब इस बार जियो पर आ गया है तो बहुत सारे लोग उसको छोड़कर जियो पर आएंगे। अब बहुत सारों में से कई ऐसे लोग होंगे जो इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो इन्होंने वही स्कीम निकाली जो एक समय इन्होंने जियो सिम लाए थे ना फ्री में, फ्री में नेट बांटा था, खूब हमने भी ली थी, खूब आपने भी ली थी। तो वही जियो सिम वाली स्कीम इन्होंने निकाली, आ जाओ सब फ्री में विदाउट सब्सक्रिप्शन। इस साल फ्री आईपीएल चलेगा, अगले साल से ये लोग भी चार्जेस लगा लेंगे, तो इस साल फायदा उठा लेना, क्योंकि ये रिलायंस की स्कीम है जो हर साल ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो यार एक और अच्छी खबर सुन लो, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। लाइक नहीं किया ना वीडियो को तो कर देना, क्योंकि 11 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आईपीएल आने वाला है। इस बार इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी आईपीएल 11 भाषाओं में नहीं आया। भोजपुरी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, असमी सारी इंक्लूड कर दी। जिस भाषा में देखना चाहो जियो सिनेमा पर चले जाना, आईपीएल देख लेना। और यही तो खूबसूरती इंडियन प्रीमियर लीग किसके लिए लाइक बनता है बताना जरूर, आप टीवी पर देखोगे या जियो सिनेमा पर, कमेंट बॉक्स में। चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों ऐसे बात करते हैं, तो श्रीलंका के खिलाफ भारत के हवाले से एक और कीर्तिमान रचते हुए हमने देखा उमरान मलिक ने रचा। दरअसल उमरान मलिक ने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर दी और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इससे तेज गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के हवाले से किसी ने नहीं फेंकी। तो रिकॉर्ड तोड़ दिया उमरान मलिक ने, उमरान के लिए बनता है एक लाइक। लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि भारत को तेज गेंद बाज और सच मुझे रियल तेज गेंदबाज मिल चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में दुनिया यही कहती थी कि इनके पास 140 142 वाले आ जाए वही बड़ी बात है, अब हमारे भैया लड़के 156 फेंक रहे हैं, अब बच के दिखाओ, अपनी टांगों को बचाओ। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर डी प्रिटोरियस ने संन्यास ले लिया। 33 साल की उम्र में ही प्रिटोरियस संन्यासी बन गए। चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से खेलते रहेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि साउथ अफ्रीका में क्रिकेट में स्पेशली सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे नए नए सिस्टम्स और लॉ आ गए हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट में जो कि बहुत सारे प्लेयर्स को परेशान करने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब इनकी स्थिति भी खराब होगी, और जैसी वेस्ट इंडीज़ की हुई थी ना, शायद ये साउथ अफ्रीका की भी वैसी होगी। वेस्ट इंडीज़ में भी हमने देखा कि जो प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल या दूसरी लीग्स खेलते थे उनको इंटरनेशनल में मौका नहीं देते, ये लोग पैसे नहीं देते, वो स्थिति आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सातवीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो तीन टेंशन्स जो कि खा रही है, परेशान कर रही है, इस समय बीसीसीआई शेड्यूल नहीं बना पा रहा है इन तीन टेंशन्स के कारण। वैसे तो बीसीसीआई के शेड्यूल का खाका तैयार है, लेकिन तीन दिक्कतें हैं शेड्यूल बनाने में। पहली है एनओसीज। भैया आपको मैंने कल भी बताया था स्टेट गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट आईपीएल मैचों के दौरान पर्टिकुलर शहर में पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। अगर उत्तर प्रदेश में मैच होता है, लखनऊ में मैच होता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी, जो अभी तक बीसीसीआई को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिली है। दूसरी दिक्कत है दोस्तों डबल हेडर्स की। आईपीएल जो कहा गया था वैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ 60 दिन की विंडो ही है, जिसके चलते इस बार भी कई बड़ी संख्या में डबल हेडर्स होने वाले हैं। और बीसीसीआई ने
आपको बता दूं कि ये जो मीडिया राइट्स बांटे थे जियो वालों को स्टार वालों को, तब बीसीसीआई ने कहा था कि हम डबल हेडर्स बिल्कुल ना के बराबर करेंगे ताकि एक दिन में एक ही मैच हो, सारा फोकस उस पर्टिकुलर मैच पे हो और सब लोग उस पर्टिकुलर मैच से कमाई कर सके। जब एक दिन में दो मैचेस होते हैं व्यूअरशिप बढ़ जाती है और कमाई नहीं होती इन ब्रॉडकास्टर्स की, तो वो दिक्कत है शेड्यूल बनाने में, क्योंकि ब्रॉडकास्टर बोल रहा है लंबा शेड्यूल बनाओ, डबल हेडर्स मत रखो। और तीसरी बड़ी दिक्कत है भैया WIPL और WTC। IPL जब शुरू हो रहा है उस समय वुमेन्स IPL कराना है तो आप मार्च के एंड तक भी IPL शुरू नहीं कर सकते, आपको अप्रैल 1 से ही करना पड़ेगा, और आप आगे भी नहीं खींच सकते क्योंकि 7 जून के समथिंग आपको WTC खेलना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है। तो मतलब वही 60 दिन की विंडो बची है जिसमें BCCI को शेड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है। तो ये थी 3 टेंशन जो कि BCCI के सामने, हो सकता है BCCI शायद थोड़ा सा शेड्यूल आगे से शुरू करे, वुमेन्स IPL और IPL मेन जो होता है उसको ओवरलैप करा, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में इस पर आप अपनी राय जरूर लिखिए। 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका का IPL, छोटा IPL ढोल धमाके के साथ शुरू हुआ, बड़ी तगड़ी ओपनिंग हुई और MICP और 5 रॉयल्स के बीच मैच था, सचमुच देखने लायक था क्योंकि बहुत हद तक फ्लेवर्स IPL वाले ही लग रहे थे। इस पूरे टूर्नामेंट को देखने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि भैया ये IPL की कॉपी है। अच्छा, मुंबई की जो टीम थी और स्पेशली 5 रॉयल्स की टीम थी, इनकी जर्सी देखकर भी 5 रॉयल की देखकर लग रहा था ये तो राजस्थान रॉयल्स ही खेल रही है। तो जाहिर है इस लीग को डिजाइन ही ऐसा किया गया है, आपने भी देखी हुई तो मजा आया होगा आपको कि आपको लगे कि आप IPL मैच ही देख रहे हैं, बट जब खेल के स्तर को देखा तो हमें पता लगा कि भारतीय प्लेयर्स मिसिंग थे। तो यार मेरे हिसाब से पहला मैच देखने के बाद मैं इतने जरूर बोलूंगा कि जब तक इंडियन प्लेयर्स नहीं आएंगे इस लीग में, यह लीग वैसी ही रहेगी जैसी शायद वो T10 होती है या फिर वो ग्लोबल कनाडा या फिर PSL होती है या बिग बैश होती है। हमें हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर्स जब तक नहीं दिखेंगे हमारे लिए वो लीग थोड़ी सी दूर ही रहेगी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा ही लगा। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, हालांकि लीग है जरूर अच्छी, देखना जरूर 9वीं बड़ी रिपोर्ट प्लेसेस के हवाले से आ रही है। S20 लीग पर प्लेसेस ने कहा नाइस किट बैक इन येलो फॉर S20। दरअसल जो किट है आप देखेंगे जोबर्ग सुपर किंग्स की, वो आपको पूरी तरीके से CSK जैसी लग रही है और वो तस्वीर भी आप फाफ डू प्लेसेस की बहुत वायरल हो रही दिखा रहे होंगे, और इसको देखकर प्लेसेस को समझ नहीं आया कि मैंने चेन्नई की जर्सी पहनी है या जोहानिसबर्ग की जर्सी पहनी है, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हुए जिस पर उन्होंने ये अपनी राय लिखी, और इससे मैं तो बड़ा खुश हुआ ये राय सुनकर। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं तो भारत जीत गया, लंका पहला ODI मैच हार गया, मैच काटे का था स्पेशली भारत की बल्लेबाजी, विराट का शतक मजा आ गया देखकर, अच्छे फॉर्म में विराट कोहली रहेंगे हिंदुस्तान के पीछे 2023 के वर्ल्ड कप में मजा आएगा, रोहित का फॉर्म वापस आना दिल को ठंडक दे गया भाई, हालांकि ठंड बहुत ज्यादा ऑलरेडी ठंडा है पर फिर भी दे गया क्योंकि भैया इन दोनों की जरूरत है भारतीय टीम को। मैं फिर बोल रहा हूं आप किसको ले आओ, आप KL राहुल ले आओ, आप अय्यर ले आओ, सैमसन ले आओ, सबको ले आओ, जब तक आपका रोहित शर्मा और विराट कोहली फॉर्म में नहीं रहेगा आप बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। एक जमाने में तेंदुलकर फॉर्म में होते थे तो हम जीतते थे, एक जमाने में गांगुली होते थे तो जीतते थे, क्योंकि ये खिलाड़ी फॉर्म नहीं लाते, ये प्रॉमिस लेकर आते हैं, टीम की गारंटी लेकर आते हैं, जीत की गारंटी लेकर आते हैं। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कौन सी खबर अच्छी लगी कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर IPL फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाओ और बेल आइकन दबाओ।